हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? आज क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म किया, आज से ये नया सेगमेंट हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है ये और इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो पढ़ना ही है, इसमें आगे चल करके हम मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। और अच्छा खासा बड़ा सा ठीक ठाक चैप्टर है, अच्छी स्कोरिंग भी है और बड़ा इंटरेस्ट भी आपको आएगा इसको पढ़ने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब कुछ समझ में ऐसे आ रहा होगा कि करंट का कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब वो क्या था, कैसे था, उसको डिस्कस करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेट के बारे में बहुत डिटेल पढ़ना है, आगे चैप्टर में पढ़ना है, बट सिंपल हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी स्टडी, या उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है भाई कि अगर कोई मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ स्पेस जिसमें इसके फील्ड को क्या करें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी फील्ड को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना भाई, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। आप कह रहे हैं इसके सराउंडिंग स्पेस जिसमें हम क्या है इसके फील्ड को हम एक्सपीरियंस करेंगे, इसी फील्ड को कहते हैं, इस रीजन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नेट की सराउंडिंग स्पेस जिसमें किसी भी, आप कह सकते हो कि जो कंपास निडिल होती है उस पर क्या लगता है, उस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है, और उस टॉर्क के चलते उस कंपास का जो पोजीशन है हर जगह कैसा होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो कि हमने एक कंपास निडल ले लिया ना। कंपास निडल की खास बात सबको पता है, ठीक है, कंपास निडल की खास बात ये है कि इसमें छोटा सा क्या है, इसमें मैग्नेट ही होता है, इसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। तो जैसे जैसे इस कंपास को हम रखेंगे, जहाँ पे रखेंगे इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन ऐसे ये फिक्स होती जाएगी। यहाँ पे अगर कंपास का पोजीशन ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। तो सिंपल आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, तो कह रहे हैं कि द रीजन नियर मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक निडल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड रेस्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रही, बहुत सिंपल सी बात है। अभी हम मैग्नेट के बारे में आगे बहुत डिटेल पढ़ना है, बस अभी बस ये समझना था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, क्या है। तो किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में एक स्पेस होगा जिसमें इसके इन्फ्लुएंस को क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टडी करेंगे, या उसको हम देख सकते हैं, या उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या सिंपल क्या, हमने देखा कि अगर इसको कंपास निडल को यहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, तो ये क्या हो गया, इसकी पोजीशन यहाँ पे हर जगह कैसी होगी, फिक्स हो जाएगी, इस पर एक टॉर्क लगेगा और हर पोजीशन जगह पे इसकी जो टॉर्क के चलते इसकी पोजीशन कैसी होगी, इसके निडल की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। फिलहाल हमें जो डिस्कस कुछ और करना है, और वो डिस्कस करना है इससे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट से ये बताना चाहते थे कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन्होंने इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करके दिखाया। तो उस सेटअप को एक बार हम फिर से देखते हैं कि वो सेटअप क्या है। तो अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑस्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टर, इन्होंने बताया कि कैसे हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इनके एक्सपेरिमेंट को हम अभी डिस्कस करेंगे, बट एक चीज़ थोड़ा सा फिर से याद कर लो कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक निडल है, अगर सपोज करो हमारे पास अगर ये एक मैग्नेटिक निडल है, तो इस मैग्नेटिक निडल की खासियत क्या होती है, तो इसकी खासियत ये होती है कि हमेशा जो निडल है ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही रुकती है। ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रुकती है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसकी दूसरी खासियत यह है कि जैसे इसके पास में कोई मैग्नेट लेकर के आए हम, देखिए अगर इसके पास में अगर हम कोई मैग्नेट लेकर के आए तो क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है।
ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर हम साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, और इसको हम इसकी तरफ ले करके आएँ, तो इसमें निडल में क्या होगा, निडल हमारा इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी इस पर एक टॉर्क लगेगा और ये निडल ऐसे घूम जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस कंपास निडल में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें टॉर्क लग रहा है और ये निडल घूम रही है, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं इसके आसपास मैग्नेट है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये हमारे कंपास निडल हो गई, हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जब इसकी तरफ ले करके आ रहे हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये हमारे मैग्नेट है, तभी तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है और ये चीज़ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि इस ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। तो इन्होंने क्या लिया कि सिंपल एक हमारे पास एक वायर लिया, देखिए हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बैटरी है और इसके से जुड़ा एक हमारा स्विच है। अभी स्विच हमारा कैसा है, ये हमारा ऑफ है। तो अगर स्विच ऑफ है और यहाँ हमने देखा ये कंपास जो निडल है इसका, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही है, कोई करंट हमारी नहीं जा रही है, तो हमारा जो कंपास निडल है एज इट ये पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने यहाँ स्विच को ऑन करते हैं, ये स्विच हमारा कैसा हो गया, ये ऑन हो गया और इस तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, से इससे करंट हमारी इधर की तरफ जा रही है। तो उसी समय हमने क्या देखा कि जैसे स्विच ऑन करते हैं, ये जो निडल हमारी पहले ऐसी थी, इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर एक टॉर्क लगता है और निडल हमारी इस तरह से ये ऐसे घूम जा रही है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आ गया। अब इस चीज़ को हम दोबारा वेरीफाई करते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर हम यहाँ देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर था ना, अब इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, इसका मतलब यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है, फिर से इस पर टॉर्क तो लग रहा है लेकिन अब जो निडल पहले ऐसे घूम रही थी, अब इसका मूवमेंट क्या है, इसका डायरेक्शन हमारा बदल जाता है, यानी इसमें करंट के डायरेक्शन बदलने से क्या हो गया, हमारा इस पर लगने वाला टॉर्क का डायरेक्शन कैसा हो गया, चेंज हो गया, और निडल का डायरेक्शन कैसा हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब इसे समझ में आ क्या रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे हमने कहा कि अगर किसी भी मैग्नेटिक कंपास निडल में क्या हो रहा है, अगर कोई इसकी निडल मूव कर रही है, इसका मतलब इसके सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कहाँ से दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि जैसे हमारे पास ये करंट आ रही है, उस करंट आने से क्या होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, टॉर्क डेवलप हो रहा है, निडल घूम रही है, इसका मतलब इसके करंट के फ्लो होने से इसकी चारों तरफ, यानी इस कनेक्टिंग वायर के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और इससे क्या पता चल रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज करने से फील्ड का डायरेक्शन, यानी चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी चेंज, यानी करंट के डायरेक्शन के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में या किसी करंट कंडक्टिंग वायर की में करंट फ्लो कराने से क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा है, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे बायो सावर्ट लॉ के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टिंग वायर के चलते, इसको समझने के लिए दो साइंटिस्ट जिनका नाम था बायोट एंड सेवॉर्ट, इन्होंने कुछ रूल्स बताए कि किसी कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। इसके लिए इन्होंने बताया क्या, इसके लिए इन्होंने क्या लिया, एक हमारा देखो ये कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट आई जा रही है, ठीक है, और हमें करना क्या है, हमको किसी पॉइंट पी पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस कंडक्टिंग वायर के चलते पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो बायो सावर्ट ने क्या किया कि इसको बताने के लिए इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया, सेगमेंट का मतलब एक एलिमेंट हो गया, और चूंकि इसमें अंदर एक करंट जा रही है तो इसका नाम दिया, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, इसको ई एफ नाम दे दो, इसका नाम दिया दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, लेंथ इसका इन्होंने डी एल ले लिया, वेक्टर डी एल हो गया और करंट जा रही है तो इसका नाम दिया, यानी ई एफ हमारा क्या हो गया, ई एफ हमारा हो गया आई डी एल, इसको दे देंगे नाम और ये कहलाएगा दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ठीक है भाई, तो पहले क्या इन्होंने बताया कि अब एक्चुअली इन्होंने क्या किया,
इस छोटे सेगमेंट के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इन्होंने कुछ तरीका बताया। क्या बताया कि ये जो पॉइंट पी है इस सेगमेंट से कितने दूरी पर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इसको हम वेक्टर आर ले सकते हैं। और ये जो एंगल बताया, ये एंगल कितना है, थीटा। यानी पॉइंट पी इस सेगमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, और इसकी डिस्टेंस इसकी कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। और ये हमारा करंट एलिमेंट आईडीएल हो ही गया। क्योंकि ये सेगमेंट हमारा छोटा सेगमेंट है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कैसी होगी, छोटी होगी, और इसका नाम दिया गया डीबी। तो नहीं, रूल बताया क्या कि इस सेगमेंट के चलते वहाँ पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन करंट, ठीक है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इट डिपेंड्स अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डीएल, ये सेगमेंट का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और क्या बताया, ये बताया कि जो एंगल है ना, इस एंगल के साइन थीटा, इस पर डिपेंड करता है, यानी साइन थीटा के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। और जो डिस्टेंस आर है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इस सेगमेंट के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, डीएल पे डिपेंड करता है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है, और आर पे डिपेंड करता है, आर के क्या है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनको एक साथ लिखा जाए तो एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डीबी प्रोपोर्शनल सबको एक साथ मिला दिया गया। अब आप देखो क्या करोगे, यानी अब आप इस सिंबल को हटाओगे, प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाओ तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया बायस सावर्ट के मदद से उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए फार्मूला, डीबी इज इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब कह रहा है कि मी नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, तो मी नॉट 4 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखो भाई, जो मी नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये हमारा एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू 10^-7, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, मी नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है, 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये चीज नोट कर लेना भाई, अच्छे से याद कर लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या वेबर पर एम्पियर पर मीटर पर एम्पियर इसको भी कह सकते हैं, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। इसको आगे चलकर और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से ये यूनिट इसकी आ रही है, क्योंकि आगे चलकर हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को डिस्कस भी करेंगे। तो आप लिख सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो सकती है 10^-7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर भी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके कांस्टेंट के बारे में। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम दो केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना भाई। इसमें क्लियर हो गया कि आपने क्या किया, आपने इस सेगमेंट के चलते आपने पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करती है इसको आपने इकट्ठा कर लिया, और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें हम दो केस डिस्कस करने जा रहे हैं। केस नंबर वन कहता है कि अगर थीटा की वैल्यू कैसी हो, 0 हो और 180 डिग्री हो, तो ऐसे केस में क्या देखा जाए कि साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, और साइन 180 भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर ये कहा आपसे कहा जाए कि जो पॉइंट पी है वो थीटा 0 बना रहा है या 180, मतलब कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या फिर यहाँ पर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में हमारा थीटा देखो क्या हो गया, थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, और ऐसे पॉइंट पे थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा।
और हमने जब हमने देखा कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, इस तरह से यहाँ भी मैग्नेटिक कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक यहाँ जीरो हो जाएगी और यहाँ भी मैग्नेटिक कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी थीटा जीरो या 180 के केस में हमारे पास मैग्नेटिक कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, केस नंबर वन। केस नंबर टू कर देते हैं कि थीटा कैसा है, थीटा हमारा 90 डिग्री है तो हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये इस तरह से हमारा साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा ना। इस तरह से डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे और ये कैसा हो जाएगा, उसकी कंडीशन में मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बायस ऑड लॉ की मदद से हमने क्या किया, बायस ऑड लॉ की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली और उसके डिफरेंट केसेस भी निकाल लिए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अब हमारे पास जो करंट यहाँ जा रही है इसका डायरेक्शन क्या, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इन बायस ऑड लॉ को वेक्टर के फॉर्म में डिस्कस करते हैं अभी। तो अब हम बात करते हैं बायस ऑड लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, अब हम बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो फिर से एक बार देख लो डायग्राम हमारा, ये कह रहा था कि हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है और हमारे पास हमने क्या लिया था, यहाँ एक सेगमेंट ले लिया था, करेंट एलिमेंट हमने ले लिया था और ये हमारा लेंथ इसका कितना है, डी एल है। और ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी देखिए, पॉइंट पी हमारा यहाँ से इस पॉइंट, ये पॉइंट पी हो गया जिसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हमारी आर हो गई, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है। अब हमें करना क्या है, हमको इसके लिए डायरेक्शन निकालना है कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, क्लियर। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए पहले याद नोट करो कि हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा था, बायस ऑड लॉ क्या कर रहा था कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये डी बी के लिए फॉर्मूला हो गया, जहाँ ये हमारा ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब इसको हम चेंज करने जा रहे हैं कि कैसे इसको चेंज करना है, ध्यान देना। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ आर से मल्टीप्लाई किया, आर से यहाँ डिवाइड किया, तो इस तरह से डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं आर क्यू। अब सारा खेल यहाँ पे है, इसी को समझना है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अब इसको डी एल आर साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो जरा देखो इसको लिखने का तरीका, चूंकि यहाँ साइन थीटा लगा है तो इसको लिखेंगे वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर और डिवाइड बाई क्या हो गया, डिवाइड बाई हमारा हो गया आर क्यूब। तो ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में क्या, बायस ऑड लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और इस वेक्टर फॉर्म की मदद से हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी ये सारी चीज़ें कैसी, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें ये स्केलर पार्ट है ना, कांस्टेंट है ये। अब हमारा ये डायरेक्शन कौन देगा, डी एल क्रॉस आर देगा, डी एल क्रॉस आर का है, यानी डी एल और एल, डी एल और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें करना क्या हो गया, वैक्टर डी एल क्रॉस वैक्टर आर करना होगा। अब इसको इसको समझने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन अगर वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, देख लो ध्यान से भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता था, तो वेक्टर ए क्रॉस बी हमारा इसी प्लेन पे ये नॉर्मल, यही हमारा क्या होता था, यही तो हमारा ए क्रॉस बी हो जाता था। यानी हमें करना क्या है, वेक्टर ए सिंपल देखो कि वेक्टर ए हमारा ये है, वेक्टर बी येलो वाला है,
तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, ए क्रॉस बी हमारा ये जस्ट ग्रीन वाला, इनके कैसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर आपका ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मतलब ये हम करते क्या हैं, दाहिने हाथ को स्ट्रेच करके और ए से बी की तरफ ले आएंगे तो जो थंब होगा इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ये डायरेक्शन कहाँ जाएगा ऐसे ऊपर आएगा। बी क्रॉस ए करने के लिए क्या करना होगा, तो बी क्रॉस ए करने के लिए बी पे रख करके हाथ ए की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन हमारा कहाँ हो जाएगा, ये डायरेक्शन हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना क्या है हमें यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन हमको क्या मिलेगा ए क्रॉस बी मिलेगा और ये नीचे जस्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा बी क्रॉस ए हो जाएगा। लेकिन हमें करना, हमें तो यहाँ पे क्या करना है, डीएल क्रॉस आर करना है। डीएल का मतलब यहाँ ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डीएल का डायरेक्शन आपका कहाँ है, ये इधर है, और आर का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो डीएल डीएल क्रॉस आर करना है। देखो आर क्रॉस डीएल करते तो आपका डायरेक्शन कैसा होता, बाहर होता, ठीक है ना, देख लो। अगर आप आर क्रॉस डीएल करते तो आर क्रॉस डीएल करते तो डायरेक्शन तो बाहर होता, लेकिन ये डीएल क्रॉस आर है इसका तो डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड होगा, यानी इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। यानी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर होगा। और इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे क्रॉस बनकर ऐसे दिखा देंगे तो डायरेक्शन कैसा होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। लेकिन यही अगर हमारे पास, अगर ये पॉइंट पी उधर ना होकर के पॉइंट पी हमारा इधर होता, जरा देखो भाई, पॉइंट पी हमारा इधर होता जिसकी डिस्टेंस आर ऐसे होती, तो यहाँ पे क्या होता, देखो अब ये डीएल तो इधर हो गया और आपका आर इधर हो गया, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो डायरेक्शन कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक का डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। ये हो गया आपका इनवर्ड, इनवर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, आउटवर्ड, ठीक है। यानी यहाँ डायरेक्शन कैसा हो गया, इनवर्ड, और यहाँ पे कैसा हो गया, आउटवर्ड हो गया। तो ये सिंपल हमने क्या देखा, बायस और लॉ की मदद से कैसे हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड और आउटवर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये बेसिक हमारा हो गया बायस और लॉ के बारे में कि कैसे किसी कंडक्टिंग वायर के चलते उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, और साथ में हम यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालना भी सीख रहे हैं। तो डायरेक्शन निकालने के हमारे पास और भी कई रूल्स हैं, यहाँ पे हम और भी रूल्स यूज़ करेंगे, स्क्रू रूल को भी यूज़ करेंगे। फिलहाल इससे हम इतना करने के बाद हम कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे न्यूमेरिकल के बारे में भी। तो इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कह रहा है कि एन एलिमेंट डेल्टा एल, डेल्टा की वैल्यू की विधि है डेल्टा एक्स आई कैप, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करेंट of I is equal to 10 ampere, what is the magnetic field on the y axis at a distance of 0.5 meter, और delta x केवल क्या है, 1 centimeter है। यानी हमारे पास एक element है जो कहाँ रखा है, origin पर रखा है, और origin पर रखा है, और उसका direction किधर है, x, यानी ये आपका x हो गया, ये आपका y axis हो गया, और ये जो element है इस element में जो current जा रही है वो किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, और इस डीएल की वैल्यू कितनी है, इस डीएल की वैल्यू है डेल्टा एक्स आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी करंट जा रही है, और हमें करना क्या है, 0.5 मीटर दूरी पर वाई एक्सिस पर, यानी ये हो गया वाई एक्सिस का ये पॉइंट पी हो गया, जो इसकी डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर, इस डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, साथ में इसका डायरेक्शन भी निकालना है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे भी रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो डीएल हो जाएगा, डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएल हो गया डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, ये हो गया डीएल। आर कितना है, तो आर की वैल्यू दे रहा है 0.5 मीटर। अच्छा थीटा कितना हो जाएगा, देखो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमको तो डी बी निकालना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा आई भी हमको दे रखा है, आई वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पता है 10^-7 होती, तो 10^-7 हो गया। आई वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर है, डी एल कितना है, तो डी एल हमारा 10
माइनस टू है, और क्या देखा आई हो गया, डीएल हो गया, साइन थीटा साइन 90 हो गया हमारा, साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और ये आर कितना है, आर 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर का स्क्वायर कर दो। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखो ये 10^-7 और ये -9 और एक जीरो हटा दो, 10^-8 हो जाएगा, 10^-8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये 100 डिवाइड बाई 25 कर लो, ये 4 हो गया ना, तो ये हो गया इतना हो जाएगा 4×10^-8। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, डी बी की वैल्यू हो गई 4×10^-8, क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी टेस्ला। ठीक है, यानी मैटीफील्ड की वैल्यू आ गई कितना, 4×10^-8 टेस्ला। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि मैटीफील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इतना ये टेस्ला आ गया। अब इसमें मेन चीज़ आती है कि मैटीफील्ड के चलते, इसके करंट के चलते यहाँ मैटीफील्ड का डायरेक्शन कितना होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने आपको क्या समझाया कि वेक्टर डी बी इज इक्वल टू डी एल क्रॉस आर। डी एल का डायरेक्शन कितना है, ये है आई, देखो ये क्या है आई क्रॉस, और आर कितना है, तो आर हमारा ये है जे, ये जे की तरफ हो गया, तो आई क्रॉस जे ये हमारा क्या होगा, के कैप होगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, यानी हमारा जो मैटीफील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव किधर, जेड एक्सिस की तरफ, यानी अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, आप यहां से देख लो डीएल का क्या है, डीएल आपको दे रहा है आई कैप, और ये जो आपका आर है, आर कितना है, ये 0.5 मीटर है, कितना है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये आपका जे कैप हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे हमारा के कैप होगा। इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट मैटीफील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमने बायस रॉड लॉ को डिस्कस किया, और इसके सारे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाइए, और ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में अब आप हम बायस रॉड लॉ के आगे बढ़ेंगे और हम मैटीफील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप को डिस्कस करेंगे।